हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रिंग्स केक चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फादर्स डे के लिए तीन अलग अलग डिज़ाइंस अलग अलग ट्रिक्स के साथ। यहाँ मैंने लिया है हाफ केजी का केक, जिसे मैंने फाइनल कोट करके रेडी कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पैलेट नाइफ की मदद से यहाँ पे केक को टेक्सचर इफ़ेक्ट दे रही हूँ। तो आप भी अगर अपने केक को टेक्सचर इफ़ेक्ट देना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ पैलेट नाइफ की मदद से केक के ऊपर टैप टैप करते रहे तो आपका टेक्सचर इफ़ेक्ट बनके रेडी हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल सा केक बनके रेडी हो चुका है। तो आप भी इसी तरह ये ट्रिक यूज़ करके अपने केक को एक अलग लुक दे सकते हैं। सो मुझे केक के डिज़ाइन के लिए कुछ मुस्टैच और लेटर्स बना के रेडी करना है, इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्लैक फॉन्डेंट जो मुझे मुस्टैच बनाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे ब्लैक फॉन्डेंट और उसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे और उसके ऊपर हम टूथपिक की मदद से मुस्टैच का शेप बना के रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास मुस्टैच का कटर नहीं है तो आप ये ट्रिक यूज़ करके बिना कटर के ही मुस्टैच बना के रेडी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं हमारा मुस्टैच यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम उसे नाइफ़ की मदद से उसे कट कर लेंगे। तो जब तक मैं यहाँ पे फॉन्डेंट कट करके ले रही हूँ, तो मैं फॉन्डेंट से रिलेटेड और एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब भी आप फॉन्डेंट के साथ काम कर रहे हो तो आप हमेशा ट्राई करें कि फॉन्डेंट को केक के ऊपर लगाने के बाद उसे ज़्यादा टाइम फ्रिज में ना रखें। जब भी आपको डिलीवरी करना हो उसके 10-15 मिनट पहले ही केक के ऊपर फॉन्डेंट लगा के फिर उसे डिलीवरी करें। अगर आप पहले ही केक के ऊपर फॉन्डेंट लगा के उसे फ्रिज में स्टोर करेंगे तो आपका फॉन्डेंट पानी छोड़ सकता है। तो आप इसलिए जब भी आपको डिलीवरी करना हो उसके 10-15 मिनट पहले ही केक के ऊपर फॉन्डेंट लगाने का ट्राई करें। तो अब मैं यहाँ अल्फ़ाबेट के कटर की मदद से हैप्पी फादर्स डे कट करके ले लूँगी फॉन्डेंट पे। तो ये अल्फ़ाबेट कटर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से मंगा सकते हो। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था, कुछ 150 रुपीस का मुझे ये पड़ा था। तो चलिए अब हम केक को डिज़ाइन कर लेंगे। मैंने ये टेक्सचर बनाने के बाद उसको हाफ़ एन आवर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था केक को। तो जो अब हमने हैप्पी फादर्स डे कट करके लिया है उसे हम अब केक के ऊपर लगा लेंगे। आप देख रहे हैं ये कितना इजी डिज़ाइन है, कोई भी इसे बना के रेडी कर सकता है। जो बिगनर्स है वो तो इसे बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ मैंने कोई भी नोज़ल वगैरह का यूज़ नहीं किया है, बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। तो आप देख रहे हैं हमारा ब्यूटीफुल सा केक बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। एक डिज़ाइन हमने कवर कर लिया है और आप जो चाहे वो स्प्रिंकलर्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गोल्डन बॉल्स यूज़ किया है और छोटे छोटे मेरे पास हार्ट्स से वो मैंने यहाँ पे रख लिया है केक के ऊपर। तो देख रहे हैं यहाँ पे मस्त अपना डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है फादर्स डे के लिए। तो चलिए अब हम सेकेंड डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो अब मैंने लिया है यहाँ पर ज़िगज़ैग स्क्रैपर। ज़िगज़ैग स्क्रैपर की मदद से हम साइड में एक अच्छा सा डिज़ाइन बना के रेडी कर लेंगे। तो उसी स्क्रैपर की मदद से हम ऊपर भी डिज़ाइन बना के रेडी कर लेंगे। इस डिज़ाइन का बेस्ट पार्ट ये है कि हमें स्क्रैपर को रैंडमली घुमाते जाना है। तो आपका ये बढ़िया सा डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने उसी फॉन्डेंट कटर की मदद से सुपर डैड कट करके ले लिया है और हम वो सुपर डैड केक के ऊपर रख लेंगे। और जो मुस्टैच मैंने बना के रेडी किया था उसको भी हम केक के ऊपर ले लेंगे। और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है शेल नोज़ल और उसके अंदर हम ब्लू कलर की क्रीम भर के ले लेंगे और उसको हम साइड में बॉर्डर बना लेंगे। तो देख रहे हैं हमारा सेकंड डिज़ाइन बन के यहाँ रेडी हो चुका है। चलिए अब हम थर्ड डिज़ाइन बनाना रेडी करते हैं। तो जो साइड में मैंने बॉर्डर बना के लिया था उसको हम पैलेट नाइफ की मदद से ऊपर की ओर खींच लेंगे और स्क्रैपर की मदद से फिर से एक ज़िगज़ैग वाला डिज़ाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा दो शेड का केक का डिज़ाइन बनके रेडी हो रहा है। इसको हम स्क्रैपर की मदद से एकदम अच्छे से फिनिशिंग कर लेंगे। और यहाँ मैंने ब्रश लिया है, ऊपर ब्रश को हम ऐसे राउंड राउंड घुमा लेंगे तो हमारा एक अच्छा सा ऊपर भी डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ वाइपिंग बैग में ब्लू कलर का क्रीम ले रही हूँ। तो यहाँ हम बनाएंगे टिक टैक टो वाला डिज़ाइन।
ये डिज़ाइन दिखने में बहुत ही अच्छा और बनाने में उतना ही इजी है। तो ये फादर्स डे थीम केक है, इसलिए यहाँ मैं डैड लिख के ले रही हूँ। अगर आप मदर्स डे या फिर किसी मॉम के बर्थडे के लिए केक बना रहे हैं तो यहाँ पे MOM मॉम भी लिख के ले सकते हैं। मैंने जो मदर्स डे के लिए केक बनाया था उसका मैं आपको स्क्रीन पे फ़ोटो शेयर कर दूँगी। तो चलिए अब हम इसे गार्निशिंग कर लेते हैं केक को। तो यहाँ मैंने गोल्डन बॉल्स और हार्ट्स का यूज़ किया है, आप अपने पसंद का कोई भी स्प्रिंकलर्स यूज़ कर सकते हैं। तो देख रहे हैं हमारा यहाँ पे थर्ड डिज़ाइन भी बन के रेडी हो चुका है। इस फादर्स डे पे आप ये तीनों डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करें, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।